नमस्कार, मैं प्रतिमन राज आप सभी लोगों का बीएससी न्यूज के हिंदी संस्करण में हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के नेशनल हेडक्वार्टर में बिग सिक्स की मीटिंग आयोजित। 19वें गर्ल स्काउट अंतर्राष्ट्रीय शिविर में बीएससी की सहभागिता। देश भर में गांधी जयंती पर स्वच्छता अभियान का आयोजन। राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन। एनएआई दार्जिलिंग में स्काई साइकिलिंग का उद्घाटन। गतपुरी और दार्जिलिंग में राष्ट्रीय साहसिक शिविर आयोजन। रीजनल लेवल पेट्रोल लीडर्स जम्बू रेड का आयोजन। राष्ट्रीय पोषण माह पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजन। शास्त्री जयंती पर प्लास्टिक मुक्त भारत का आह्वान। स्काउट और गाइड सम्मेलन का आयोजन। एक तारीख एक घंटा एक साथ सफाई अभियान चलाया गया। समाचारों को विस्तार में जानने करते हैं अंतरराष्ट्रीय समाचारों। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में 29 सितंबर 2023 को निर्धारित कार्यक्रम भारत में युवा संगठनों के सहयोग पर कार्य योजना तैयार करना, संसाधनों के समाधान, विशेषज्ञता और एसडीजी में उल्लेखित चुनौतियों से निपटने हेतु रूपरेखा पर चर्चा की। इस बैठक में बिग सिक्स के 3 संगठनों के प्रतिनिधि जिसमें भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, YMCA इंडिया और इंटरनेशनल अवार्ड फॉर यंग इंडिया उपस्थित रहे और उन्हें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सदस्यों द्वारा 3 दिवसीय कार्यशाला प्रस्तावित किया गया जिसकी मेजबानी YMCA इंडिया द्वारा किया जाए, जिसमें साथ ही एक रोडमैप की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कोर टीम बनाई जाए। श्रीमती दर्शना बावस्कर संयुक्त निदेशक गाइड्स प्रोग्राम एंड ट्रेनिंग और डॉक्टर कौशिक YWCA और विकसित इंडिया इसके सदस्य होंगे। 19वें गर्ल स्काउट अंतर्राष्ट्रीय शिविर 2 से 6 अक्टूबर 2023 तक कोरिया में ऑनलाइन आयोजित किया गया, जिसमें 22 युवा महिला प्रतिभागियों ने भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का प्रतिनिधित्व किया। प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक बताया कि कैसे उन्हें यह ऑनलाइन शिविर एक ही समय में चुनौतीपूर्ण और मजेदार लगा। दुनिया भर के अपने अंतर्राष्ट्रीय मित्रों के साथ मिलकर प्रतिभागियों ने प्रकृति के बारे में पता लगाया। चलिए बढ़ते हैं राष्ट्रीय समाचारों की ओर। 2 अक्टूबर को देश भर में बीएससी सदस्यों द्वारा गांधी जयंती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य, जिला एवं स्थानीय संस्था द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। सर्वधर्म प्रार्थना सभा, जगह जगह जलवायु परिवर्तन पर जागरूकता रैली एवं नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए, जिसका सभी ने आनंद लिया। कई जिलों में जिला कलेक्टर और अन्य शीर्ष अधिकारी भी स्काउट्स एवं गाइड्स द्वारा आयोजित गांधी जयंती समारोह और स्वच्छता अभियान में सम्मिलित हुए। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स राष्ट्रीय मुख्यालय ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर राजघाट नई दिल्ली में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर रेलवे, उत्तर प्रदेश और CWSN एवं जमीयत यूथ क्लब के 180 स्काउट्स और गाइड्स के साथ 154वीं जयंती मनाई। जयंती पर भारत गाइड्स के उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न रेलवे, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, दिल्ली स्टेट, हरियाणा और जो है जामिया के बच्चे जो है आज यहाँ राजघाट पर हम लोग आए हैं और सब लोग यहाँ पर अभी ऑल फेथ प्रेयर करके उसके बाद में अभी प्रोग्राम होगा, जिसमें हम लोग सब जो है बच्चे मिलके अलग अलग कंपटीशन करेंगे, गांधी जी के विचारों को आपस में शेयर करेंगे और साथ ही गांधी जी की वेशभूषा धारण करके भी कुछ लोग उनका जो है उनके विचारों को पहचान करेंगे। इस अवसर पर आयोजित रैली में स्काउट्स और गाइड्स ने हाथ में गांधी जी के विचारों वाले बैनर और पोस्टर लिए हुए। द स्काउट्स गाइड्स गांधी जी के पोशाक में उपस्थित थे, जो कि जनता के मुख्य आकर्षण का केंद्र थे। निदेशक डॉक्टर राजकुमार कौशिक, श्रीमती दर्शना बावस्कर संयुक्त निदेशक गाइड्स, अमरवीर क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक स्काउट बीएससी एवं अन्य उच्च अधिकारियों ने गांधी जी की समाधि पर पुष्प माला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सभी स्काउट गाइड्स ने समाधि स्थल पर रघुपति राघव राजा नाम गीत का आयोजन किया एवं साथ ही सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती श्रेखा श्रीवास्तव, उप निदेशक गर्ल प्रोग्राम ने किया।
स्काई साइकिलिंग नेशनल एडवेंचर इंस्टीट्यूट कर्शियम दार्जिलिंग में शामिल एक नई रोमांचकारी साहसिक गतिविधि के रूप में सम्मिलित किया गया। मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त डॉक्टर के खंडेलवाल IAS सेवानिवृत्त की ओर से श्री देवदत्त चक्रवर्ती, राज्य मुख्य आयुक्त पश्चिम बंगाल ने स्काई साइकिलिंग एवं वैली क्रॉसिंग का उद्घाटन, श्री श्यामल कुमार विश्वास मुख्य आयुक्त स्काउट, श्री आर के कौशिक निदेशक, श्री अमरवीर छेत्री संयुक्त निदेशक स्काउट प्रोग्राम एवं प्रशिक्षण एवं श्री जोगेंद्र प्रसाद राज्य आयुक्त कब के गौरवमयी उपस्थिति में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही 28 सितंबर को साहसिक राष्ट्र संस्थान के विकास हेतु श्री देवदत्त चक्रवर्ती, राज्य मुख्य आयुक्त पश्चिम बंगाल की अध्यक्षता में डॉक्टर आर के कौशिक निदेशक, श्री अमरवीर छेत्री संयुक्त निदेशक स्काउट प्रोग्राम एवं प्रशिक्षण के साथ NAI प्रबंधन समिति की एक बैठक आयोजित की गई। राष्ट्रीय स्तर के योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 26 सितंबर से 30 सितंबर 2023 तक राज्य प्रशिक्षण केंद्र उत्तर रेलवे रायवाला उत्तराखंड में आयोजित किया गया, जिसमें श्री महेंद्र शर्मा ग्रोथ मैनेजर मेंबरशिप PSC के नेतृत्व में 11 राज्यों के 82 प्रतिभागियों ने भाग लिया। योग प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिभागियों को योग की ट्रेनिंग दी गई। राष्ट्रीय साहसिक संस्थान दार्जिलिंग में 3 से 7 अक्टूबर तक 48वां राष्ट्रीय साहसिक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें श्री विवेक कुमार दास के नेतृत्व में हरियाणा, पश्चिम बंगाल और केरल के 127 प्रतिभागियों ने प्रतिभागिता की। प्रतिभागियों ने स्काई साइकिलिंग, वैली क्रॉसिंग, राइफल शूटिंग, तीरंदाजी का आनंद लिया और साथ ही प्रतिभागियों के हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान का दौरा भी करा। श्री अमन सिंह ठाकुर के नेतृत्व में 28 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के 194 प्रतिभागियों ने प्रतिभागिता। साहसिक गतिविधियों के अलावा प्रतिभागियों ने मथुरा, आगरा और वृंदावन का दौरा किया। इसमें श्री यशपाल कुंटा ने शिविर के स्टाफ के रूप में कार्य की भूमिका निभाई। चलिए बढ़ते हैं क्षेत्रीय समाचारों की ओर। माननीय शिक्षा निदेशक आंध्र प्रदेश सरकार एवं राज्य आयुक्त रेंज श्रीमती पी पार्वती ने क्षेत्रीय पेट्रोल लीडर जमोरेट का उद्घाटन दीप प्रज्वलित करके किया, जो कि 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गुंटूर आंध्र प्रदेश में श्रीमती कुमार मेहरा सहायक निदेशक दक्षिणी क्षेत्र के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस शिविर में आंध्र प्रदेश, केरल, SC रेलवे, SWR लीग, तमिलनाडु और तेलंगाना के 233 प्रतिभागियों के साथ प्रतिभाग। उद्घाटन समारोह में स्कूल शिक्षा के संयुक्त निदेशक VS सुब्बाराव, राज्य सचिव श्री भानुमूर्ति राजू, नेटको स्कूल ऑफ लर्निंग के प्रिंसिपल श्री मदन कुमार, SC कब आंध्र प्रदेश श्री TR के शर्मा सर भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय पोषण माह कुपोषण को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य सामुदायिक गतिशीलता सुनिश्चित करना और लोगों को सशक्त बनाना। इसी कड़ी में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स ने राष्ट्रीय पोषण माह 2023 यूनिसेफ मध्य प्रदेश के सहयोग से प्रोजेक्ट क्लैब के अंतर्गत मनाया, जिसके तहत दीनदयाल उपाध्याय पूर्व मध्य रेलवे के जिला संघ ने 30 सितंबर 2023 को पोषण जागरूकता रैली का आयोजन किया। 35 रोवर्स, रेंजर्स और वयस्क प्रशिक्षकों ने भाग लिया और समुदाय के लोगों के साथ बातचीत करते हुए पोषण माह के प्रति जागरूक किए। बिहार राज्य के अररिया जिले में जिला संगठन आयुक्त स्काउट श्री बैजनाथ प्रसाद के नेतृत्व में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उन्होंने पोषण के महत्व पर जानकारी साझा की तथा आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में विजेता स्काउट एवं गाइड को प्रमाण पत्र वितरित किया। राजकीय PG कॉलेज पिथौरागढ़ उत्तराखंड के रोवर्स और रेंजर्स ने राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर 30 सितंबर को पोषण और स्वस्थ जीवन शैली की जानकारी देते हुए नुक्कड़ नाटक पेंटिंग के जरिए लोगों को जागरूक किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर और कटनी जिले द्वारा 30 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण माह के कार्यक्रम पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 200 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। डॉक्टर उमा निगम MBBS DGO ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए लोगों को इसके महत्व में विस्तृत जानकारी प्रदान की। चलिए बढ़ते हैं राज्य समाचारों की ओर। बिहार राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के अध्यक्ष श्री उदय शंकर सिंह की अध्यक्षता में राज्य मुख्यालय पटना में राज्य परिषद की बैठक आयोजित की।
बैठक में प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम वार्षिक बजट को मंजूरी दी गई। राज्य संघ के विकास एवं आंतरिक मामलों पर चर्चा की। राज्यायुक्त स्काउट श्री अंजनेय गौतम द्वारा अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त। पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर ओडिशा राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा शास्त्री जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सार्वजनिक क्षेत्र की सफाई कर प्लास्टिक का प्रयोग बंद करने के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। अहिंसा दिवस पर प्रभात फेरी और पोस्टर बनाने का कार्य किया गया। ओडिशा के 2500 सर्वधर्म प्रार्थना सभाओं में सम्मिलित हुए और अपने स्थानीय क्षेत्रों में प्रभात रैली निकाली। जम्मू कश्मीर राज्य परिषद की बैठक श्री सुभाष चंद्र चिब्बत जेकेएस निदेशक कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय और एफ ए निकल उपाध्यक्ष जम्मू कश्मीर बीएसटी के नेतृत्व में 26 सितंबर को गांधरबल गवर्नमेंट फिजिकल कॉलेज में आयोजित की। अरुणाचल प्रदेश ने राज्य मुख्यालय नाहरलागुन में गांधी जयंती के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जिसमें स्काउट गाइड के अलावा एनसीसी और एनएसएस के छात्रों ने भाग लिया। 27 सितंबर को उड़ीसा राज्य के भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के क्योंझर जिले के रोवर्स एवं रेंजर्स द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने 30 यूनिट से अधिक रक्त एकत्र किया और रक्तदान शिविर में 50 से अधिक रोवर्स एंड रेंजर्स ने भाग लिया। अब चलिए बढ़ते हैं जिला और स्थानीय समाचारों की। पश्चिम बंगाल राज्य भारत स्काउट एंड गाइड्स के हुगली जिला संघ ने 30 सितंबर 2023 को स्काउटर्स और गाइडर्स सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में 72 प्रशिक्षकों रोवर और रेंजर्स ने भाग लिया। स्काउट्स गाइड्स ने छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार जिले में 1 अक्टूबर को आयोजित श्रमिक सेवा के सम्मेलन में सेवागार किया। शास्त्री जयंती का आयोजन राजस्थान के 12 नीम का थाना सीकर और मध्य प्रदेश के हरदा आगर मालवा और रायसेन जिले द्वारा किया गया। पूर्व मध्य और पश्चिम मध्य रेलवे राज्यों ने गांधी जयंती पर विभिन्न जिलों में स्वच्छता अभियान चलाया। मध्य प्रदेश के कटनी के 60 सदस्यों ने प्रोजेक्ट क्लैप के तहत जलवायु परिवर्तन पर जागरूकता रैली का आयोजन किया। सुश्री रिया कर्माजिया ने रैली का नेतृत्व किया। हम चलते हैं हमारे सर्कुलर संख्या की ओर। सर्कुलर नंबर 189 वर्ष 2018-2021 के लिए राष्ट्रपति स्काउट गाइड्स रोवर्स रेंजर्स प्रमाण पत्र परीक्षा का परिणाम। सर्कुलर नंबर 190 दक्षिण एशिया के लिए अंतिम कॉल एशिया प्रशांत उप क्षेत्रीय ऑनलाइन स्काउट यूथ वर्क। सर्कुलर नंबर 191 बाल दिवस का उत्सव। सर्कुलर नंबर 192 भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के नए बनाए। फिलहाल हम विदा लेते हैं आप सभी लोगों से। इसी के साथ आज की बीएसटी न्यूज समाप्त होती है।